ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका हमें नजर आता है ये माइक्रोग्राफ है। क्या है ये? माइक्रोग्राफ। अच्छा, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से कैरेक्टर्स से अवेयर है ऑलरेडी। पहला डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? ऑर्गेनली ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सारे कैरेक्टर हमें इससे पहले ही पता है। अब इसके अलावा जब आपको ये पता है कि ये असल में कभी बैक्टीरिया था, माइटोकांड्रिया कभी क्या था? बैक्टीरिया था। तो फिर इसके अंदर आपको ये भी पता है राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। इन जनरल हम इसको स्पेसिफिकली बात नहीं करें, जनरली अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो राइबोसोम है इसके माइटोकांड्रिया के, वो 80S होंगे या 70S? सेंस क्या बनता है वैसे? क्या होना चाहिए? 70S होना चाहिए। तो आप भी कह सकते हैं इसके राइबोसोम्स क्या होंगे? 70S होंगे। ये 70S हम किस से कहते हैं? क्योंकि माइटोकांड्रिया का भी बैक्टीरिया। तो इसके 70S राइबोसोम और इसके अंदर जो सर्कुलर डीएनए, असल में यही दो चीजें हैं जो बता रही है कि ये पहले क्या था? बैक्टीरिया था। दूसरे बैक्टीरिया ने इसको इंगल्फ किया और अंदर जाके इसने सिम्बायोटिक रिलेशन बना दिया। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये जो माइटोकांड्रिया है, जब हम ये कहते हैं कि ये कभी क्या था? बैक्टीरिया था। तो फिर ये बताओ कि ये कौन सा एरोबिक बैक्टीरिया हुआ होगा या एनएरोबिक? बताओ। एरोबिक। क्या हुआ होगा? एरोबिक बैक्टीरिया होगा। एनएरोबिक तो फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ग्रो नहीं करता ना, तो वो तो सरवाइव नहीं कर सकता। ये तो एरोबिक है, इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन होती है बहुत ज्यादा। इधर ये जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ना, वो अंदर बॉडी में जाके सेल्स में जाके वहां से माइटोकांड्रिया में जाती है और माइटोकांड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन के पास जाती है। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट होता है, एरोबिक एनवायरनमेंट। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया था। अगर आप वो देखेंगे ना जहां पे इसका कंसेप्ट है 5th चैप्टर में, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं, क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्या था शुरू में? वो भी एक बैक्टीरिया था ना, वो भी ऑर्गेनली ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन है, कभी बैक्टीरिया था, दूसरे बैक्टीरिया ने उसको इंगल्फ किया। वो कौन सा बैक्टीरिया था? साइनोबैक्टीरिया। क्या था वो? साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, ये हम ये कहते हैं कि माइटोकांड्रिया के एक बाहर मेम्ब्रेन जो कि एक स्मूथ मेम्ब्रेन है और अंदर वाली मेम्ब्रेन इनवर्ड पिंच हुई हुई है, फोल्ड हुई हुई है। ये जो इसके इनवर्ड फोल्ड है ये वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो अंदर फ्लूइड्स आए इसे क्या कहते हैं? माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है वो आउटर माइटोकांड्रियल कंपार्टमेंट, आउटर माइटोकांड्रियल कंपार्टमेंट, और इसी को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मैंने क्या कहा था कि किसके एनालॉगस के? थाइलकोइड के ल्यूमन, थाइलकोइड के ल्यूमन या थाइलकोइड इंटीरियर स्पेस के एनालॉगस से ये स्पेस। अच्छा, फिर ये जो माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स जहां पे होता है, ये माइटोकांड्रिया का इनर कंपार्टमेंट है। क्या है? इनर कंपार्टमेंट। अच्छा, फिर आपको ये भी पता है कि ये जो माइटोकांड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं ये लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। क्या होती है? लिपोप्रोटीन। स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? लिपोप्रोटीन का। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइम्स हैं असल में, लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर।
और जो इनर मेम्ब्रेन है उससे इस तरह के नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिनको क्या कहते हैं F1 पार्टिकल। तो ये जो F1 पार्टिकल है अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर इसका देखें इस तरह है, ये रप्चर करके ऐसे बाहर निकले हुए हैं F1 पार्टिकल। वो जो फास्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं ना उनको रप्चर करके बाहर निकल के आगे नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसी के बेस को हम F0 भी कहते हैं और इसको F1 कहते हैं, F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल जो है एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, सुना हुआ है ना एलिमेंट्री, आई थिंक मैट्रिक की किसी बुक में लिखा हुआ एलिमेंट्री पार्टिकल। अच्छा ये वैसे क्या चीज होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको F1 पार्टिकल क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स का क्लस्टर है। और इसमें जो प्रोमिनेंट एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जी, इसको कहते हैं ATPase, और यही असल में होता है ATP synthase, और इसी को लिखा जाता है ATP synthetase, ATP synthetase, ठीक, क्योंकि ये सलाहियत रखता है कि ये ATP बना भी दे और ATP को ब्रेक भी कर दे, तो हम इसका ATP synthase function ही पढ़ते हैं असल में यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद जब हम बात करते हैं ये जो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन है, कौन सी है इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें बाकी भी बहुत सारे एंजाइम है, अगर हम इसको इधर ही ऐसे ड्रा करते जाए तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे एंजाइम इस जगह पे हैं। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम कहाँ पे, इन जगहों पे, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में इधर। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किधर चलता होगा, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में चलता होगा। अच्छा उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो सर्कुलर डीएनए इसके पास अपने राइबोसोम भी है, इसका मतलब ये अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है। तो जब अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है तो उसको हम सेमी ऑटोनॉमस कहेंगे, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है। कुछ प्रोटीन या कुछ चीजें जो है वो किससे लेता है, ये सेल से लेता है, बाकी प्रोटीन्स अपने ये खुद ही बना लेता है। कुछ चीजें इसको क्या चाहिए होती हैं, सब्सट्रेट वगैरह सेल्स चाहिए होती है। आप देखते हो ना एक माइटोकांड्रिया के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर जाए तो ये उसको ब्रेक करे, यही बात है ना। तो ग्लूकोज एक सर्टेन लेवल तक ब्रेक होगा, उसके बाद माइटोकांड्रिया में इंटर होता है। तो अगर डायरेक्टली माइटोकांड्रिया में इंटर हो जाए पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल और वो इसको ब्रेक कर सके, तो फिर तो माइटोकांड्रिया बाहर भी सर्वाइव करना शुरू कर दे, फिर इसको सेल पे क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर इसको हम ऑटोनॉमस ही कहेंगे, सेमी ऑटोनॉमस नहीं कहेंगे। ये कुछ हद तक सेल पे डिपेंड करता है लेकिन अपने लिए सारे एंजाइम खुद बनाता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम कहाँ बनते हैं, आप कहेंगे माइटोकांड्रिया में, वो खुद बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये नहीं। अच्छा इसका जो माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या फंक्शन होते हैं, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे आगे, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे, और उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, क्रेब्स साइकिल चलता है। तो माइटोकांड्रिया को ओवरऑल अगर हम देखें सेल के अंदर ये क्या फंक्शन करता है, तो सेल में जहां भी ATPs यूज होते हैं तो क्या बन जाता है, ADP बन जाता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये माइटोकांड्रिया के अंदर जाते हैं और माइटोकांड्रिया से बाहर क्या आएगा, ATP, ठीक है, और ये ATP फिर यूज हो जाएंगे कहीं पे, यूज होकर दोबारा क्या बनाएंगे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके अलावा इधर क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जाते हैं और यहां से क्या बन के निकलते हैं, इनऑर्गेनिक। आप ऐसे क्या को एंजाइम ए पढ़ा है ना, ठीक है, पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन पड़ी थी आपने, तो पाइरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाती है जब वो इसमें इंटर हो जाता है और आगे क्रेब साइकिल चलता है, फर्दर उसकी ब्रेकडाउन होती है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे।
तो पहले वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और फिर बाद में क्या बन के निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि माइटोकांड्रिया एक तरफ से क्या कर रहा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है और उसके अंदर जो CH बांड है उनको ब्रेक कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। और वो एनर्जी किधर जा रही है, स्टोर किस में हो रही है, ATP की फॉर्म में। वो जो एक फास्फेट अटैच होता है ना साथ, तो उस फॉर्म में एनर्जी क्या होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेल में माइटोकांड्रिया की तादाद किस पे डिपेंड करती है, उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। तो माइटोकांड्रिया का नंबर और साइज दोनों चीजें, कि माइटोकांड्रिया की तादाद कितनी होगी और साइज क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि सेल कितना फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। अब हम ATP का जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, एक दफा फिर देख लें ATP हम कैसे बनाएंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके लिए कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए, एडिनिन चाहिए। अच्छा जी, इधर अमीनो ग्रुप अटैच करना है, इधर आपने डबल बॉन्ड बनाना है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, एच और नंबरिंग आप ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर आप एक शुगर बना रहे हैं। तो इसका OH है, इधर H है, ये क्या है, ये शुगर है, राइबोस शुगर। इसका कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इधर H और OH आपस में मिल जाएंगे और ये CN बॉन्ड बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसको क्या नाम होगा, ये जो चीज बनी है एडिनोसिन, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। अब इसके साथ एक फास्फेट ऐड करते हैं, जब इसके साथ एक फास्फेट ऐड हो गया तो क्या है जी, एसिड का क्या निकलेगा, H और इधर से OH, COP बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड है। यहाँ पे शुगर एज अल्कोहल भी ऐड कर लिया। अब इसके बाद ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होगी, एक फास्फेट और ऐड कर देते हैं हम। जब एक फास्फेट और ऐड करते हैं, किसी का H किसी का OH निकाल लें, P बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड होगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड हो गया। इसी तरह अगर हम एक फास्फेट और ऐड करते हैं यहाँ पे, अब ये क्या हो गया जी, एक एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड और बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बॉन्ड सेकंड और थर्ड फास्फेट के बीच में, ये थर्ड सेकंड है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फास्फेट के बीच में एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड है। तो अगर हम इसको एसिड जाहिर करें, शुगर फास्फेट और उसके बाद इस तरह बनाएंगे, फिर फास्फेट, ये हाई एनर्जी बॉन्ड को जाहिर करेगा, ये सिंबल किसको जाहिर करेगा, तो सेकंड और थर्ड के बीच, फास्फेट के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है, फर्स्ट और सेकंड फास्फेट के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है और ये एक नॉर्मल बॉन्ड है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, तो चाहे तो दे एक टर्मिनल फास्फेट को अलग करें सेल एनर्जी देने के लिए, चाहे तो दूसरे को भी अलग कर ले, दोनों से इतनी एनर्जी मिलेगी, लेकिन तीसरे फास्फेट को अगर अलग करेंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये हाई एनर्जी फास्फेट है, जो टर्मिनल फास्फेट है ना दो, ये क्या है, हाई एनर्जी फास्फेट है। अच्छा, इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो ATPs हैं, इनके और क्या करैक्टर है। ATP का एक करैक्टर तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। कोई भी सेल ATP बना के स्टोर नहीं कर सकता। अगर कोई सेल स्टोर कर सकता होता ना, तो फिर हमारे हर ऑर्गन की डेथ डिफरेंट टाइम बाद होती और बहुत टाइम लग जाता डेथ होने में, बात समझ रहे, क्योंकि ATP जिसमें बहुत ज्यादा स्टोर हुए होते वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता, सर्वाइव करता रहे।
तो एटीपीज फौरन क्या हो जाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ एटीपीज खत्म हो गए। तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का एक और खास कैरेक्टर क्या है कि हमारी बॉडी को जिस मकसद के लिए भी एनर्जी चाहिए, जहां भी एनर्जी चाहिए, वो फ्री एनर्जी को यूज नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ किससे लेती है, एटीपी से लेती है। जिस तरह कोई शॉपकीपर हो और उसे आप डॉलर दें वो डॉलर ना ले, उसको आप कोई भी और रियाल दे दें ना ले, जब आप रुपीज दें तो ले ले, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे मुल्क में करेंसी कौन सी चल रही है, रुपीज वाली। तो इसी तरह ये भी पूरी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी करेंसी है वो सिर्फ कौन सी है, एटीपी है, और कोई नहीं चलती एनर्जी। तो वैसे बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, लेकिन वो एनर्जी सेल यूज नहीं करते। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि सेल को एनर्जी किसके लिए चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी किसके लिए चाहिए, जरा आप बोलते जाएं, व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, मसल कंट्रैक्शन के लिए, ठीक हो गया, नर्व इंपल्स के कंडक्ट होने के लिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन लिख लें, ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जब बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, सेल्स के अंदर एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी कैसे आएगी, यहाँ पे इस हेडिंग को देखें, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें, इधर बात मेरी गौर से सुनना जरा, कि जितने भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर वो जो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस होती है, ये फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, इनमें लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं ना, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो आपने इधर लिखा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे तो उनके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, इन दोनों प्रोसेसेस को हम कहते हैं, ये इटसेल्फ क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये खुद ही एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा ये किसी और चीज की ऑक्सीडेशन से एनर्जी नहीं ले रहे होते। हालांकि कीमोसिंथेटिक में छोटे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से ली जाती है एनर्जी, लेकिन इसने जैसे लिखा है, अगर आप ऐसे ही लिखेंगे कि आप ये कहेंगे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने लिए खुद ही एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ रिडक्स रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा बाकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उनको रिस्पायरेशन से एनर्जी चाहिए होती है। किससे एनर्जी चाहिए होती है? रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज, जो सेल में ऑलिफ्यूम से एनर्जी चाहिए होती है। और सेल में जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज, जिनसे एनर्जी मिलती है सेल्स को, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अच्छा, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होती है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगी। और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन आपको पता है ये कंसेप्ट तीन तरह से लिया जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होती है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसको ले रहे होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। और जब भी हाइड्रोजन किसी चीज से रिमूव होगी तो फिर क्या होगा, वहां पे आपको एंजाइम चाहिए, कौन सा, डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ कोएंजाइम चाहिए आपको, कोएंजाइम कौन सा चाहिए, जिस तरह एनएडी है, एक एग्जांपल क्या है, एनएडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये चाहिए, तो तब भी क्या होगा, एनएडी प्लस बन जाएगा, एनएडी एच हो जाएगा, और ये आर लग हो जाएगा। ये बात समझ आ गई ना आपको? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम ग्लूकोज को एक एग्जांपल ले रहे हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन को स्टडी करते हैं, जिसका पहले हमने ओवरव्यू लिया था, अभी ये रिस्पायरेशन जो है वो कितने स्टेप पे कंसिस्ट करेगी, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी, और फिर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, फिर क्रेब्स साइकिल के बाद क्या है, रिस्पायरेटरी चेन, या रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जितनी चीजें मैंने आपको पहले बताई थी,
कि ग्लाइकोलाइसिस कैन टेक प्लेस इन ऑल द सेल्स वेदर दे आर प्रिमिटिव और दे आर एडवांस्ड वन एवॉल्व्ड वन। इसके अलावा हमने कहा था इसके लिए सारे एंजाइम साइटोसोल में होते हैं और इसके लिए माइटोकांड्रिया रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई और सेल की ऑर्गेनली रिक्वायर्ड नहीं होती और इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस मैटर नहीं करती। तो चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, दो पाइरूवेट के मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, एक पाइरूवेट को क्या हम ग्लूकोज का हाफ कह सकते हैं? क्या एक पाइरूवेट के मॉलिक्यूल को ग्लूकोज का हाफ कह सकते हैं, हाफ ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल? डेफिशिएंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन और टू हाइड्रोजन गैस, फिर कहोगे ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी के ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो कि साइटोसोल में होता है ये किस तरह होगा। इसकी जो दोस्त ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, हम इसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं एक फेज कौन सा है, प्रिपरेटरी फेज है और दूसरा फेज ऑक्सीडेटिव है। जरा गौर करना है इन दो चीजों पे, ये आपने पहले भी सुना होगा। हम इसको पहले बनाएंगे फिर हम देखेंगे प्रिपरेटरी कौन सा है और ऑक्सीडेटिव कौन सा। वैसे प्रिपरेटरी जो फेज है इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है। क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है और ग्लूकोज ब्रेक होने के साथ साथ एनर्जी क्या होती है, एक्सपेंडेड लिखा होगा। एक्सपेंडेड का मतलब यहाँ क्या है जी, यूज होना, एनर्जी यूज होगी यहाँ। और इसमें लिखा होगा ऑक्सीडेटिव जो है, इसमें भी आप ये लिख सकते हो कि ग्लूकोज ब्रेक होगा। क्या होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ साथ साथ क्या होगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट बांड बनेगा। हाई एनर्जी फॉस्फेट बांड बनेगा मतलब एडीपी के साथ जब एक और फॉस्फेट एड होगा तो वहां पे जो बीच में बांड बनेगा वो हाई एनर्जी बांड होगा ना, तो उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर होगी। इसमें एनर्जी स्टोर होगी, जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम कहते हैं वो एनर्जी यील्ड है। वो हमारी एनर्जी क्या है, यील्ड है, क्योंकि जो स्टोर हुई हुई है जब वो ब्रेक होगा एटीपी तो वो एनर्जी दोबारा मिलेगी ना। तो फॉस्फेट आप किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दें या फॉस्फेट को आप एडीपी के साथ अटैच कर दें, जहां भी फॉस्फेट को ऐड करेंगे ना तो वहां पे जो बांड बनेगा उसमें एनर्जी, वो हाई एनर्जी बांड कहलाएगा और वहां पे एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये प्रिपरेटरी फेज ग्लाइकोलाइसिस का कहां तक चलता है। सबसे पहले देखेंगे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपने एब्रिविएशन भी साथ लिख लिया, आप इसको लिख सकते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये सिर्फ ग्लूकोज है। इस दौरान ये फॉस्फेट कहां से आ गया, एटीपी से एडीपी बना। इधर साथ एक प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ना लिख देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट एटीपी जो प्रिपरेटरी फेज में यूज होता है वो यहां पे यूज होता है फर्स्ट स्टेप पे। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना ग्लूकोज से, ये दोनों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में किसका डिफरेंस है, दोनों आइसोमर है, बीच में कोई आइसोमरेज एंजाइम होगा, ठीक है। ऊपर वाले में कोई काइनेज एंजाइम होगा, पूरा नाम आप बेशक ना लिखो, सिर्फ उसको आप क्या कहोगे, काइनेज, क्योंकि वो फॉस्फेट को ऐड कर रहा है या उसको रिमूव कर रहा है तो काइनेज ही होगा। तो इधर कोई कौन सा होगा, आइसोमरेज। ये सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी है जो हमें पहले से पता है, हम पूरा नाम नहीं लिखते उसका, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उससे फ्रक्टोज, इससे क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एटीपी से एडीपी बन जाएगा।
अच्छा ये जो फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट है तो फिर आगे क्या होगा जी इसको फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट स्प्लिट हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा तीन तीन कार्बन वाले दो क्या बनाएगा ट्राइलोजिस बनाएगा इनको हम ट्राइलोजिस कहेंगे नहीं कहेंगे ना क्योंकि वो एल्डिहाइड और कीटोन है और पॉलीहाइड्रॉक्सी भी है तो इसलिए वो ट्राइलोज होंगे एक कौन सा है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा कौन सा ग्लिसरॉल्स LPI3 फास्फेट ये जो G3P है इसको हम 3 फास्फो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड भी कहते हैं PGAL 3 फास्फो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड अच्छा अब ये जो दोनों है ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है कोई आइसोमरेज एंजाइम और दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है तो ये स्टेप 1 है ये 2 है ये 3 है ये क्या है जी 4 और ये क्या है 5 ऐसे के अब जरा आप एक चीज पे गौर करें ये कीटो शुगर है और ये एल्डो है यहां से आगे यहां तक ये था प्रिपरेटरी फेज कौन सा था ये प्रिपरेटरी फेज इसमें एटीपी यूज हो रहे थे यहां भी एटीपी यूज हुआ यहां भी एटीपी यूज हुआ वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी एटीपी में वो यूज होगी फास्फेट को उधर अटैच करने में अब यहां से आगे अगर हम देखें तो ये जो इन दोनों में से कौन सा ब्रेक होगा क्या दोनों ब्रेक होंगे या एक ब्रेक होगा जो लोग कहते हैं एक ब्रेक होगा दूसरा नहीं होगा वो बताएं यहां से आगे एक ही ब्रेक होगा J3P ठीक है दूसरा इसमें कन्वर्ट होकर ब्रेक होगा तो जब दूसरा इसमें कन्वर्ट होकर ब्रेक होगा स्टेप सेम ही होंगे सारे सेम स्टेप होंगे इसीलिए वो दोनों साइडों से लिख देते हैं लेकिन अगर आप देखें तो उसने वो जो बनाया वो क्या कहना चाहिए वो जो एरो का निशान लगाया है ना एक साइड से थोड़ा सा क्या किया हुआ है टेढ़ा किया हुआ ये G3P ब्रेक होगा आगे बुक में लिखा हुआ भी है ऐसे नहीं लिखा कि G3 ब्रेक होगा अच्छा ये जो G3P है ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है इधर देखें जरा इसमें क्या होता है कि एक NAD+ आता है और बन जाता है वो NADH बन जाता है और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आके यहां अटैच हो जाता है G3P के साथ कौन अटैच हो जाता है इनऑर्गेनिक फास्फेट और ये फास्फेट किसी ATP से नहीं आया ये वहीं से जो मीडियम है वहां पे जो फास्फेट बहुत सारे पड़े होते हैं वहां से एक फास्फेट आके अटैच हो फास्फेट वहां से आके अटैच हुआ और जिधर फास्फेट अटैच हुआ वहां से हाइड्रोजन निकल गए तो हाइड्रोजन को कोएंजाइम ने ले लिया अच्छा कोएंजाइम ऑक्सीडाइज से क्या हो गया रिड्यूस हो गया और G3P क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसने क्या कर दिए हाइड्रोजन रिमूव करा दिए ये ऑक्सीडाइज हो गया ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप है तो ग्लाइकोलाइसिस का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप होता है वो कौन सा होता है G3P जब कन्वर्ट होता है किसमें 1 3 बेस फास्फोग्लिसरॉल जब ये इस पे कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे फास्फोरिलेशन भी हुई है किसकी G3P की फास्फोरिलेशन भी हुई है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हुई है G3P की फास्फोरिलेशन भी हुई है और G3P की ऑक्सीडेशन भी हुई है और NAD की रिडक्शन हुई है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप हुई है अच्छा यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई यहाँ पे इसको एनर्जी यील्डिंग या एनर्जी पे ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेप क्यों कहते हैं ऑक्सीडेशन तो हुई यहाँ पे ये तो आप एनर्जी इसको पे ऑफ क्यों कहते हैं स्टेप को यहाँ से आगे क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी पे ऑफ है ऑक्सीडेटिव स्टेज है इसमें देखें अगर आप गौर करें ना ये फास्फेट अगर आप इसको ऐसे बना लें 1 2 3 कार्बन है एक फास्फेट पहले था एक फास्फेट और अटैच हो गया तो यहाँ पे बांड बना ना फास्फेट जहां अटैच हुआ इसमें एनर्जी आई इसमें एनर्जी स्टोर होगी इस मॉलिक्यूल में ये जो फास्फेट इसके साथ एडिशनल ऐड हुआ ना तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी जब ये फास्फेट अलग होगा
अलग होकर किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये एनर्जी वहां चली जाएगी। तो एनर्जी असल में इस मॉलिक्यूल में आ गई है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन चुका है, इसके पास हाई एनर्जी बॉन्ड बन चुका है। तो अब क्या होगा यहां से आगे, क्या होगा जी? एडीपी से एटीपी बनेगा। अब ये क्या रह जाएगा? 3 फास्फो ब्लेस्टेड रह जाएगा। पहले 1-3 था, कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट था, 3 पे भी था, अब ये 3 फास्फोब्लेस्टेट हो गया, सिर्फ 3 पे फास्फेट रह गया। अगर हम इसको बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इधर 3 पे सिर्फ फास्फेट है। अच्छा, इस 3 पे जो फास्फेट है इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर ड्रा कर लें, ये जो 3 पे फास्फेट है, 1, 2, 3, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 3 फास्फो ग्लिसरेट। तो 3 फास्फो ग्लिसरेट से क्या होगा आगे? फास्फेट किधर आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। जब 2 पे फास्फेट आ गया तो 2 फास्फो ग्लिसरेट। तो आगे क्या होगा जी? एक वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फास्फोइनोल पाइरूवेट। ये जो फास्फोइनोल पाइरूवेट है, तो इसके पास फास्फेट है या नहीं है? ना फास्फेट। तो अब वो फास्फेट किसके पास चला जाएगा? एडीपी के साथ। तो ये क्या हो गया? एटीपी बन गया। तो अब हम इसको क्या कहेंगे जी? इसको हम कहेंगे पाइरूवेट। और ये जो पाइरूवेट है, इसका फार्मूला C3H4O3 होगा। अच्छा, पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 बनेंगे ना। अब आपने गौर करना है, पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे? एक इसकी ब्रेकडाउन से, दूसरा जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ फिर ब्रेक हुआ। अगर पाइरूवेट हम 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट भी लिखने पड़ेंगे, 2 ये भी लिखने पड़ेंगे, 2 ये भी लिखने पड़ेंगे, ये सारे 2-2 हो जाएंगे, ठीक है? तो ये भी 2 लिखेंगे और उसके अलावा इसको भी 2 लिखेंगे, इसको भी 2 लिखेंगे। बात समझ आ गई ना? अब आपको सारा हम देखते हैं, क्योंकि हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि किस रिएक्शन में एनर्जी का क्या रिलेशन है, टोटल कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी यूज्ड अगर हम देखें तो कितने यूज्ड हुए जी? 2 एटीपी यूज हुए। तो एटीपी प्रोड्यूस्ड अगर हम देखें कितने? 4 है। 4 समझ आ गई ना आपको कैसे? अच्छा, फिर एटीपी का नेट गेन क्या हुआ? नेट गेन 2 एटीपी, क्योंकि 2 यूज हो गए, 4 प्रोड्यूस हुए जिनमें से 2 यूज हो गए, तो 2 ही बच गए, नेट गेन 2 एटीपी है। तो कितने NADH हमारे पास प्रोड्यूस हुए? 2 NADH भी प्रोड्यूस हुए, ठीक है? अगर आगे एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो ये 2 NADH हमें कितने एटीपी मजीद दे सकते हैं? 4 इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, और प्रोकेरियोट्स में 6। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है ना? फिलहाल हम ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें ना, एक पॉइंट इधर सुन लें, ग्लाइकोलाइसिस में ये जो फास्फोरिलेशन हुई है ना, एडीपी से एटीपी बनता है, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। मेंशन याद रखना, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या होता है? कि सबस्ट्रेट से कोई एंजाइम क्या करता है? फास्फेट को उठा के एडीपी के साथ अटैच करा देता है, तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। वो जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, वो जो कीमियो ऑस्मोसिस से फास्फेट फास्फोरिलेशन होती है, वो और चीज है, ठीक है? ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जस्ट सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से फास्फेट को उठाया और एडीपी के साथ अटैच कर दिया। बस आज के लिए इतना काफी।